बैगेज में अलाउड है इसमें, इसके अंदर गाइस ट्रैवल से रिलेटेड तीन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें बताया जा रहा है क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रही है इससे वजह से कम 6 से 7 हज़ार भारतीय वहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं और वो लोग रो रो कर घर वापसी का डिमांड कर रहे थे सरकार से। तो सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 लोगों को यहाँ पर भारत में लेकर आई है और आने वाला दिनों में वो बहुत सारे भारतीयों को अपने कंट्री में वापस लेकर आएंगे। और उनसे बताया भी गया है कि अपने जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे ही रहे, घर से बाहर ना निकले और जो भी सरकारी से मदद चाहिए आपको सरकार आपको मदद करेगी और आपको अच्छे तरीके से वापस इंडिया में लेकर आएगी। बहुत सारे लोगों को लेकर आई भी है। पहला दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंडिगो एयरलाइंस दुनिया में पहला एयरलाइंस ऐसे बनी है इंडिगो एयरलाइंस जो ये करने वाली है। बेसिकली हो क्या रहा है, आपको मालूम है कि बहुत सारे फ्लाइट में ऐसे जो छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, अगर कोई लड़की कोई लड़के के साथ में बैठ जाती है, इस तरह का बहुत सारे लोग छेड़खानी का गलत तरीके से टच करने का, तो एयरलाइंस कंपनी ने एक ऑब्जर्व किया है। इसमें बताया गया कि इस तरह का क्राइम अभी फ्लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जा रही है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसा करने वाला पहला एयरलाइंस बना है। इसमें बताया जा रहा है कि अब वो टिकट में चेक करेगा कि ज़्यादा कोशिश करेगा कि लड़की का जो सीट है यानी जो जेंट्स है जेंट्स के बगल में वो जेंट्स ही बैठे और लेडीज़ के बगल में लेडीज़ ही बैठे। ऐसा करने वाला एयरलाइंस दुनिया में पहला इंडिगो एयरलाइंस बनने वाली है। तो जल्दी से जल्दी ये नियम लागू होने वाला है क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ने नया अपडेट जारी करके बताया है। इनके लिए अपना राय जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखें कि ये क्या सही है या गलत है, क्यों इस ऐसा करना क्या सही रहेगा, क्योंकि ऐसा करने वाला भारतीय एयरलाइंस पहला जो है बना है और इस खबर का पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ये दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है जो लोग विदेश से बेसिकली मोबाइल लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया क्योंकि कम लोगों को इसकी जानकारी है और वो अनजाने में क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होता है सारे पैसे का सामान खरीद लेते हैं, फिर उनका सामान जब्त कर लिया जाता है एयरपोर्ट में क्योंकि कानून की जानकारी नहीं है। नियम ये बता रही है कि अगर आप वहाँ से आ रहे हो, ठीक है, अदर कंट्री से आ रहे हो इंडिया में, तो आपका जो भी सामान 50,000 से ऊपर का है यानी 50,000 रुपये से ऊपर का सामान है, मान लिया आपके पास कोई भी लैपटॉप है या फिर आईफोन है या कोई मोबाइल महंगी मोबाइल है और वो अगर पैक है यानी डब्बे के साथ अगर पैक है तो आप पर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप यूज करने के तरीके से लेके जा रहे हैं यानी वो ऐसे लगे कि आप यूज कर रहे हो यानी उसका डब्बा पैक नहीं है ओपन करके लेके जा रहे हो तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस बात का लाजिम क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट में गिरफ्तार भी किया गया है क्योंकि वो हंगामा कर लेते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं होती है और बोलते हैं कि ऐसा नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा तो उनका सामान भी जब्त कर लिया जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आपके पास ऐसा एक दो तीन फ़ोन लेकर आ रहे हो या फिर कोई लैपटॉप लेकर आ रहे हो तो पैक करके अगर आप लेके आओगे तो आपको लाजिम टैक्स देना पड़ेगा अगर 50,000 से ऊपर का सामान है। ये गोल्ड पर भी नियम है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी ये नियम है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आप डब्बे से निकाल लें और ऐसे लेकर आएँ कि जैसे आप यूज कर रहे हो, नहीं तो आप लगेज बैग में डाल दोगे पैक करके लेकर आओगे स्कैनिंग में देखेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ आप वहाँ से आप टैक्स से चोरी कर रहे हो या आने के लिए तो GST नहीं दे रहे हो या फिर जो कस्टमर नहीं कर रहे हो, इसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है।